दोस्तों आज का ये वीडियो सिंघम अगेन से रिलेटेड होने वाला है। आपको पता होगा ही सिंघम अगेन का टीजर कुछ लीक हुआ है, इसके जो कैरेक्टर है उनका भी लुक रिवील हुआ है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे क्या क्या इस टीजर से सिंघम 3 से रिलेटेड लीक हुआ है टीजर से रिलेटेड। तो दोस्तों सबसे पहले टाइगर श्रॉफ का लुक रिवील हुआ है। ये जो टाइगर श्रॉफ है इस मूवी में ACP सत्या के रूप में नजर आने वाले हैं कैरेक्टर में, और ये जो है ये मारपीट कर रहे थे गुंडों के साथ और अपने बेल्ट निकालकर, तो इसमें ये जो इनका लुक है वो खतरनाक लग रहा था। ये आपको जो लुक है मैं नहीं रिवील कर सकता हूँ, नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि कुछ चैनल पे इशू हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। लेकिन इसका जो सिंघम 3 का जो रिलीजिंग डेट है वो आपको बोला जा रहा है कि इसी महीने यानी कि अगस्त में ही, लास्ट अगस्त में आ सकता है टीजर, या तो फिर सितंबर में टीजर आ सकता है फर्स्ट वीक में, क्योंकि आपको पता होगा अक्टूबर में दिवाली है, तो दिवाली अक्टूबर के लास्ट महीने में शायद या बीच महीने में, तो दिवाली अक्टूबर में है तो ज़्यादा दिन रह नहीं जाते हैं। टीजर आएगा, फिर उसके बाद ट्रेलर आएगा कुछ दिन के बाद, फिर सॉन्ग भी आनी है, और देखा ये जाएगा कि जो भूल भुलैया 3 आ रही है तो भूल भुलैया 3 से साथ ये कम्पीट कर रही है मूवी, दोनों एक साथ आ रही है मूवी भूल भुलैया और सिंघम अगेन। देखना होगा कि दोनों में से कौन अच्छा है, कौन अच्छी जाने वाली है। लेकिन हाँ, ये मूवी का टीजर जो है वो अक्टूबर में आ सकती है फर्स्ट वीक में, या तो फिर अगस्त में ज़्यादा चांस है आएगी लास्ट महीने में, क्योंकि इसका जो टीजर का सर्टिफिकेशन मिल गया है इसी महीने के 20/8/2024 को सर्टिफिकेशन इसका अप्रूवल हो चुका था, तो बहुत चांसेस है कि ये अगस्त में ही आ जाएगी लास्ट महीने में। अक्षय कुमार का कैरेक्टर रिवील हुआ है, वीर सूर्यवंशी के रूप में ये नजर आएंगे कैरेक्टर में। अजय देवगन का कैरेक्टर भी रिवील हुआ है, बाजीराव सिंघम के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं। रणवीर सिंह संग्राम भले राव के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं। दीपिका पादुकोण ACP शक्ति शेट्टी के कैरेक्टर में नजर आएंगी, और अर्जुन कपूर डेंजर लंका के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं। और अर्जुन कपूर जो है इस मूवी के सिंघम अगेन के मेन विलन है, और करीना कपूर जो है अवनीत कुमार के कैरेक्टर में नजर आने वाली हैं, और जैकी श्रॉफ जो है उमर हफीज के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं। और मैंने आपको इसका रिलीजिंग डेट बता दिया है, लेकिन इसका जो लीक हुआ है टीजर का कुछ पार्ट जो लीक हुआ है लुक वाइज, जो हम देखें टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर का जो लुक रिवील हुआ है उसे हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि कुछ इशू आ जाएंगे चैनल पे इसीलिए। लेकिन इसका जो लुक है वो देखकर बहुत ही खतरनाक लग रहा है, खास करके टाइगर श्रॉफ का वो लुक जो है वो बहुत ही खतरनाक है। ये लगता है कि कमबैक कुछ करने वाले हैं इस मूवी से। सिंघम 3 का जो कुछ अभी लीक हुआ है टीजर का पार्ट, जो कुछ लुक वाइज लीक हुआ है ये जानबूझकर लीक हुआ है, ये मतलब अनजाने में लीक कुछ नहीं हुआ है, जानबूझकर लीक हुआ है। आप देखेंगे सेम अभी जो राजकुमार हिरानी का आ रहा है रामायण मूवी, उसमें सेम लुक रिवील हुआ था रणवीर कपूर का, जो उनके राम के कैरेक्टर में नजर आ रहे थे उनका लुक रिवील किया गया था। फिर रावण का कैरेक्टर रिवील किया गया था जिसमें यश कुमार नजर आ रहे थे, साउथ के जो हीरो हैं आप देखे होंगे, और साई पल्लवी साउथ की हीरोइन है जो सीता माता के रूप में, उनका जो लीक हुआ था पोस्टर वो नजर आए थे। तो ये जानबूझकर उसमें भी नहीं किया गया था, उसमें भी रिवील हुआ बाद में कि जानबूझकर ये किया गया था, और इसमें भी ये हुआ है कि जानबूझकर रिवील किया गया, कुछ अनजाने में ये रिवील नहीं किया गया है, ये जानबूझकर रिवील किया गया है क्योंकि इसे मूवी के लिए हाइप क्रिएट करना है बस। तो इस मूवी का काम भी पूरा हो गया, मैंने पिछले दिनों आपको अपडेट दिया था सिंघम 3 का काम पूरा हो चुका है, अब इसका टीजर ट्रेलर आने में बाकी है। लेकिन इसका टीजर जो है मैंने जैसा कि बोला अभी अगस्त के लास्ट महीने में बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि नजर आएंगी, और थोड़ा बहुत जो चांसेस है सितंबर के महीने में फर्स्ट वीक में नजर आएंगी, या तो फिर मुझे ज़्यादा लगता है कि अगस्त के महीने में ये नजर आने वाली। लेकिन इसका टीजर का जो लेंथ है 1:04 का टीजर का लेंथ है, तो बहुत ही छोटा टीजर है, टीजर छोटा ही रहता है लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा टीजर का लेंथ रखा गया है, इसमें पता चल जाएगा क्या है मूवी में क्या नहीं। तो दोस्तों ये था कुछ जो रिवील किया गया था लीक सिंघम अगेन का। आपको आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो नहीं अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी पार्ट वीडियो में नहीं अच्छी लगी। आज के लिए मिलेंगे किसी अच्छे अनुसार, जय मातरम, जय श्री राम।